गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर JKH। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बेल का जूस। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बेल का फल ले लिया है और एक बड़ा सा कटोरा ले लिया है जिसके अंदर हम अपने बेल के फल को रखेंगे और अब हम इसको वॉश करना स्टार्ट करेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी थोड़ी बहुत डर्ट बची हो उसको हम साफ़ कर दें। हम एक हाथ में ग्लव्स पहनेंगे और दूसरे हाथ से हम इस पे जग से पानी डालेंगे। आप चाहें तो आप इसे टैप रनिंग वाटर में अपने सिंक या बेसिन में भी वॉश कर सकते हैं। हम अभी इसको ऐसे रख के वॉश कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको ज़मीन में मार के फोड़ लेंगे और इसका गूदा निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इसका गूदा निकालने के लिए हम एक बड़ी वाली जो चम्मच होती है या फिर आप चाहें तो नाइफ की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हम बड़ी वाली चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से इसका गूदा निकाल लेंगे। इसका सारा गूदा जब या फिर आप कहें जो इसका सारा पल्प है वो निकल आए उसके बाद हम इसको इसके पल्प को अपनी चम्मच पे से रिमूव कर लेंगे और इस पल्प गूदे को या फिर पल्प को इसको मैश करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम इसमें से जूस निकाल सकें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मैश करेंगे। पानी की हेल्प से ही तो इसके अंदर बेल का जूस निकलेगा। इसको हम अपने हाथों की हेल्प से मैश करेंगे तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई। आपको ऐसी कंसिस्टेंसी होने तक इसे ऐसे ही मैश करते रहना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम इस पल्प को काफ़ी देर तक इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका सारा जो जूस है वो निकल जाए जो हमारा वाटर है उसमें। इसको हम अपने हाथों की हेल्प से ही करना है, ये कोई फॉक या स्पून की हेल्प से नहीं होने वाला है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और बीच बीच में इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। इसको कम से कम 5 मिनट तक आपको इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, मैश करते रहना है इस पानी में ताकि इसका जो पल्प है जो अच्छे से इसमें पानी में मिक्स हो जाए और हमारा बेल का जो जूस है वो रेडी हो जाए। पर बेल का जूस इतनी जल्दी रेडी नहीं होने वाला है। तो अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शक्कर डाल लेंगे। अगर आपका बेल मीठा है तो ज़्यादा मीठा है तो आप कम शक्कर डालें, कम मीठा है तो ज़्यादा शक्कर डालें। ये बेल काफ़ी कम मीठा था तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा सी शक्कर डालेंगे। शक्कर को भी हम अपने हाथों की हेल्प से ही अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अबाउट 5 मिनट्स तक हमको इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है ताकि इसमें सारी शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए और बेल का जूस भी अच्छे से अब सेपरेट हो चुका है। हमारा बेल का जूस सेपरेट होने के बाद हम अपने बेल के जूस को एक जग या फिर जार में या फिर किसी भी चीज़ में आपको स्ट्रेन करना है उसमें बड़ी सी छन्नी रखेंगे और इसको स्ट्रेन करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेन करेंगे क्योंकि ये जो बड़ा जो पोर्शन होते हैं वो इसमें नीचे अटक जाएंगे। अगर आप एक ही बार में पूरा पोर करने की कोशिश करेंगे तो सारा फैल जाएगा। इसलिए हम अच्छे से आराम आराम से इसको डालते जा रहे हैं और मिक्स करके नीचे स्ट्रेन करते जा रहे हैं। ऐसे करने के बाद अब हमारा बेल का जूस रेडी हो चुका है। सो गाइस अभी हम लोग इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं बट हम लोग इसे ऐसे ही नॉर्मली प्लेन सर्व कर रहे हैं क्योंकि इसका प्लेन टेस्ट ही काफ़ी अच्छा है। हमने इसे 3 ग्लासेस में सर्व कर लिया है। अब हम इस अपनी ड्रिंक को एंजॉय करेंगे। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।